हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और साथ ही साथ हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट सिचुएशन, किस सिचुएशन में है आपके पर्सन अभी इस वक्त, क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट सिचुएशन, अभी किस सिचुएशन में हैं आपके पर्सन। देखिए ज़्यादातर तो यहाँ पर इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस वक्त। कप्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है बॉटम ऑफ द डेक से, साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन काफ़ी सिचुएशंस को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। इनकी जो अभी करंट सिचुएशन है इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, साथ ही साथ कई बार इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आते आते रह जा रहा है, सिचुएशन इम्प्रूव होते होते रुक जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही है जहाँ वो वहीं अटक जा रहे हैं। ये जो रिश्ते की गाड़ी है ये आगे नहीं बढ़ रही है, किसी न किसी का इंटरफेरेंस बीच में हो जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कुछ है जो ये आपसे बोल देना चाहते हैं, काफ़ी कुछ है जो ये आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, काफ़ी कुछ है जो इन्हें ऐसा लगता है कि डेस्टाइन है, चीज़ें मेरे भाग्य में हैं, बट फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये क्रिएट करना चाहते हैं, खुद से अपनी रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं, बट चीज़ें वहीं की वहीं रुकी हुई हैं, पॉज मोड में है, पूरी तरीके से पॉज मोड में है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये सिचुएशन से ये कैसे बाहर निकलें। कई बार ये आपसे बात करते हैं, इन्हें बहुत खुशी मिलती है, कई बार ये प्लान भी करते हैं कि मुझे इस रिश्ते में शादी करनी है, मुझे इस रिश्ते में कमिटमेंट देना है, मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, बट सडनली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाती हैं, या तो आप दोनों में बातचीत बंद हो जाती है या सिचुएशन ख़राब हो जाती है, ब्रेकअप सिचुएशन हो जाती है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन कभी बहुत पोलाइट रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, इस रिश्ते में पूरी मेहनत करना चाहते हैं, और सडनली इनका दिमाग जो है वो घूम जाता है, मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में चले जाते हैं। इंतज़ार इससे भी काफ़ी लोगों के पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इनको लग रहा है कि कब सिचुएशन इम्प्रूव होगी, कब मैं स्टैंड ले पाऊँगी या ले पाऊँगा। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है, पॉज मोड पर है इस वक्त, लेकिन सिचुएशन को बहुत जल्द ये बैलेंस करना चाहते हैं। इनके ऐसी विश है कि चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं, सब्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स चेक कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, इनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं, करंट फीलिंग्स। ओके, करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है कीपर ऑफ चैलेंजेस, वी हैव ओवरऑल एनर्जी ओल्डेस्ट मैन एंड वी हैव द वाइजर वुमेन। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ये है कि इन्हें गिल्ट है, इनको पता है कि आप एक प्योर सोल हो, इन्हें पता है कि आपने कभी इनका बुरा नहीं चाहा, कभी आपने सपने में भी इनका बुरा नहीं चाहा होगा, भले इन्होंने आपके साथ कितना भी रूड व्यवहार किया हो, कई बार आपको बहुत बुरी तरीके से झगड़ा किया हो, ब्लॉक कर दिया हो, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया हो, आपसे आपके ही मुँह पर बोल दिया हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, अब तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, इतना सब होने के बाद भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा है, आपने हमेशा इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा आपने यही प्लान किया है कि आपकी आने वाली ज़िंदगी खुश हो, मतलब आपने हमेशा इनको ब्लेसिंग्स दी है, हमेशा अपने प्यार को इनके ऊपर लुटाया है।
तो ये जो आपका प्यार है, ये जो अनकंडीशनल लव है, इससे इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं क्या कर दूँ इस रिश्ते के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। कई बार इन्हें गिल्ट भी होता है कि मैं इतना अच्छा पार्टनर डिज़र्व ही नहीं करता, कैसे आ गया मैं इसकी लाइफ में, शायद मेरी वजह से इसकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो ऐसा भी इनके मन में आपके लिए कई बार फीलिंग्स आती हैं। बट ये आपको एक कंप्लीट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा एक वाइजर वुमेन की एनर्जी है, मतलब आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हो। आपने हमेशा इस रिश्ते को हिडन भी रखा है, आपने छुपा कर रखा है सारे चीज़ें। ऐसा नहीं कि आपने अपना गुस्सा निकाल दिया, फ्रस्ट्रेशन में आपने इनके बारे में बता दिया, या इनकी अपनी फैमिली में बवाल क्रिएट कर दिया, ऐसा कुछ भी आप नहीं करते हो। ये भी आपको एक लाइफ में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी इनकी प्लानिंग है, ऐसी इनकी विश है, और आने वाले समय में ये बड़े होपफुल भी हैं कि ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएँ, इस रिश्ते में वो सब कुछ कर पाएँ जो ये करना चाहते हैं। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन आपके लिए इस रिश्ते में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन। मेरे व्यूवर्स की तरफ एक्शन क्या हो सकता है? वी हैव सिज़ोफ्रेनिया विद गाइडेंस, देन वी हैव प्रोजेक्शंस, मैच्योरिटी, वी हैव सप्रेशन and ordinariness, and bottom of the deck है intensity with the source। तो guys यहाँ पर टू नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले दो दिन के अंदर की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी 20 घंटे के अंदर की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 2 आवर्स या 11 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है। इन दो दिन के अंदर आपके पर्सन किस एनर्जी से गुजरेंगे? सबसे पहले तो एनर्जी इनकी बहुत इंटेंस होगी, तो इनके मन में जो भी आएगा ये रिएक्टिव होंगे, जो भी इनके मन में आएगा रिएक्शन तुरंत निकलेगा। तो अगर इनको गुस्सा है तो ये आप पर गुस्सा निकालेंगे, अगर प्यार है तो बहुत ज़्यादा प्यार निकालेंगे, बट ये डेफिनेटली ये इंटेंसिटी के साथ होगा। साथ ही साथ इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस ऐसी मिल रही है जिससे इन्हें मैच्योरिटी इनकी बढ़ रही है कि मुझे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे थर्ड पार्टी से रिलीज़ होना है, कैसे बर्डन से मुक्त होना है, मेरी लाइफ में क्या बर्डन है, मेरी लाइफ में क्या कर्माज हैं, कैसे उसको हील करना है, अपने आप को कैसे इतना आगे बढ़ाना है कि मैं अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकूं, अपने विशेज़ को खुद पूरा कर सकूं, उन विशेज़ के लिए एफ़र्ट्स डाल सकूं। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, और ये जो कुछ भी इनके मन में चल रहा है ये आत्मद्वंद वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं वाली एनर्जी, अपने से बात करना, अकेले में बातें करना, और बहुत ज़्यादा बर्डेंड सप्रेशन वाली एनर्जी है। बट स्टिल ये एक क्विक डिसीजन के साथ बाहर निकलेंगे, और ये जो क्विक डिसीजन है ये विद इन 2 डेज़ बहुत सारे लोगों को दिखेगा, ये नोटिस में आएगा ये डिसीजन, ठीक है। तो बहुत टाइम से आपके पर्सन बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बट आने वाले 2 दिन में कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जो आपके नोटिस में आएंगे। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने क्या एक्शन लिया। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को आज के दिन में? स्पेल ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर अभी आपने स्पेल नहीं किया है तो ये सही टाइम है स्पेल करने का। तो लव स्पेल बाय एम सिंह, काफ़ी वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। सेकेंड है एल्केमिस्ट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पावर्स को जागृत कर चुके हैं, उन्हें पता है कब कैसे किस सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट करना है, कहाँ पर कौन सी घुट्टी मिलाकर पिलानी है, प्यार की, इमोशंस की, फीलिंग्स की, आपको पता है क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी दी गई है, एक इम्पैथ के अंदर ये सारी एबिलिटी होती है। वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई खबर आपको रिसीव हो सकती है, या वेस्ट डायरेक्शन से कोई गाइडेंस आपको रिसीव हो सकती है किसी स्पिरिट एनिमल से, किसी पर्सन से। वी हैव रीबर्थ, एक सिचुएशन जो कि ख़त्म होकर फिर से शुरू होगी, ऐसी एनर्जी है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सीक्रेट बुक ऑफ शैडोज़। बहुत सारे व्यूअर्स को उनके पर्सन से रिलेटेड कोई सीक्रेट भी पता चलने वाला है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत टाइम से कुछ शेयर करना चाह रही थी या शेयर करना चाह रहे थे, चाहे वो उनके इमोशंस हों, चाहे वो उनकी कोई सीक्रेट्स हों। आने वाले 2 दिन के अंदर बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा होगा कि आपके पर्सन आपसे कोई सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सीक्रेट आप तक पहुँच सकता है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।